दोस्तों वैसे तो हमारी पृथ्वी में लाखों प्रकार के जानवर रहते हैं, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक और कुछ बेहद सीधे होते हैं। और उनमें से एक जानवर है सांप, जिसकी कुछ अनोखी काबिलियत की हम यहाँ बात करने वाले हैं। सांप वैसे तो डरावना होता है और जहरीला भी। कुछ पानी के अंदर रहते हैं तो कुछ जमीन के अंदर, तो कुछ सांप तो उड़ने वाले होते हैं इसकी तरह। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सांपों के बारे में और उनकी अनोखी काबिलियत के बारे में, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। द फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने सांपों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी उड़ने वाले सांप के बारे में नहीं सुना होगा इसके जैसे। यह कैरी सुपीरियर नाम का सांप साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड, फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है। और इस सांप का कोई पंख नहीं है, ना ही ये लगातार उड़ सकता है। दरअसल जब ये पेड़ की डाल पे बैठ के अपने बैक से इतनी जोर से उछलता है कि काफी देर तक हवा में रहता है। इस वजह से इस सांप को फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। साइंटिस्ट ने भी इस सांप की जांच की कि आखिर ये कैसे इतने तेज हवा में उछल लेता है, लेकिन आज तक इस सांप के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है कि ये कैसे ऐसे कर लेता है। द एग ईटर। दोस्तों क्या आपको अंडे पसंद है, नाश्ते में, लंच में या फिर डिनर में? और ऐसा मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सांप भी कुछ ऐसा ही है। ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में पाया जाता है। इस स्नेक के दांत नहीं होते और ये इसी वजह से सिर्फ अंडे खाता है। ये ज्यादातर पेड़ों में चढ़ता है और चिड़िया के घोंसलों से उनके अंडों को निगल जाता है। कभी कभी कुछ अंडे निगलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। और कभी कभी तो ये कुछ दूसरी चीजों को अंडे समझ के निगल जाता है, जैसे कि ये। ए टेंटिकल स्नेक। ये जो स्नेक है ये भी अपनी अनोखी खूबी के लिए मशहूर है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये बहुत छोटी जगह में अपने शिकार को माइक्रो सेकंड के अंदर ही दबोच लेता है। और इसकी मछली को तेज रफ्तार से पकड़ने की काबिलियत तो वाकई कमाल है। आपको इतने तेज में शायद समझ में ना आया हो, तो इसका स्लो मोशन देखिए। जो भी है, बहुत कमाल की काबिलियत है इस सांप के अंदर। सूडोसेरास्टिस। ये सूडोसेरास्टिस नाम का सांप मध्य अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है और सन 2006 में इसकी खोज हुई। इस सांप की अनोखी खूबी इसकी पूंछ में बनी मकड़ी की तरह डिजाइन है। दरअसल ये पूंछ इनके शिकार के काम आती है। ये अपने आप को रेत के अंदर छिपा लेता है और पूंछ को ऊपर करके हिलाता है ताकि चिड़िया या छोटे जानवरों को लगे कि यह कोई कीड़ा है। और जैसे ही इसे खाने के लिए वो आते हैं, यह अपने शिकार को पकड़ लेता है। और इसकी प्रजाति की कमी होने की वजह से साइंटिस्ट लोग दूसरे इसी की तरह सांपों से इसकी प्रजाति को लुप्त होने से बचाने की तलाश में है। तो दोस्तों ये थे कुछ अनोखे सांप। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।